नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्त। स्वागत है आप सभी प्यारे साथियों का यूसीपी परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी प्यारे दोस्त वीडियो को देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि आपके मध्य अन्य लोग किस तरह से अफवाह को फैला के रख रहे हैं कि एसएससी जीडी का ही सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पार्ट है तो वो है वैकेंसी को लेकर कि एसएससी जीडी 2024 में वैकेंसी कितनी है। तो प्यारे दोस्त, आज हम आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। ज्यादा नहीं, केवल 5 मिनट का मैं आपसे वक्त लेना चाहूंगा। प्यारे दोस्त, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज ये समझा देना चाहूंगा कि एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है, ठीक है। और इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, बनाने की कोशिश कर रहा हूं। संपूर्ण जानकारी मतलब कि आपका फॉर्म डेट कब है, लास्ट डेट कब है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि हमारे लिए ये कितनी सच बात है कि वैकेंसी कितनी है। कोई कह रहा है कि 80,000 प्लस, तो कोई 60,000 प्लस, तो कोई 75,000 प्लस, नहीं, ये आपको कब डिसाइड होगा, आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए, जीडी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, ये बिल्कुल एकदम सही बात है। सही बात यह है कि फॉर्म डेट, यानी आज मैं आपकी वीडियो बना रहा हूं, आज है 22 नवंबर 2023, यानी दो दिन बाद से, बोले तो 24 नवंबर 2023 से आपका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, यह किस दिन पड़ रहा है प्यारे दोस्त? तो पड़ रहा है ये दिन फ्राइडे, ये फ्राइडे का दिन पड़ रहा है 24 नवंबर। अब देखिए, 24 नवंबर को दिन में भी ये फॉर्म एसएससी की तरफ से जारी किया जा सकता है, हो सकता है कि रात के टाइम जारी हो, लेकिन एसएससी ने जो अपना डेटा दिया है उस डेटा को आपको याद रखना है कि 24 नवंबर को आपके एसएससी जीडी 2024 का जो एग्जाम 20 फरवरी से होना है उसका फॉर्म आपका 24 नवंबर से फॉर्म अप्लाई होना, फॉर्म फिल करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि जब 24 नवंबर से फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर देगा तो लास्ट डेट क्या होगी, हम कह सकते हैं भाई यहां पे जो डेटा जारी किया है एसएससी ने 28 दिसंबर 2023, यानी 24 नवंबर से 28 दिसंबर तक जाएंगे तो आपके पास लगभग एक महीने, चार दिन, एक महीने, तीन दिन का वक्त आपको मिल रहा है। उस दौरान आप सारे लोग अपने फॉर्म को फिल कर दें, क्योंकि समय का इंतजार ना करें कि लास्ट डेट आए तब हम फॉर्म को अप्लाई करें, क्योंकि जैसे जैसे अंत होता जाएगा वैसे वैसे ही आपकी साइट व्यस्त होती जाएगी। तो फिर इसमें यह होता है कि बाद में यह प्रॉब्लम आने शुरू हो जाती है कि हम अंत में फॉर्म को अप्लाई करते हैं जिससे हमारा फॉर्म रिजेक्ट होने का चांस होता है। तो ऐसी गलती ना करें दोस्त, इन एक महीने के पहले पहले आप फॉर्म को अप्लाई कर देंगे, ठीक है, चलेंगे। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि सर वैकेंसी कितनी है, यह बहुत बड़ा डाउट है, यह पूरे यूट्यूब पर इस समय ट्रेंड में चल रहा है, #SSCGDVacancy #SSCGDVacancy। तो हैशटैग के चक्कर में मत पड़े मेरे दोस्त, जितना आपने सब्र किया अब तक उतना आप सब्र करें केवल और केवल दो दिन, क्योंकि आज है 22 नवंबर और 24 नवंबर को जैसे ही एसएससी अपना डेटा रिलीज करेगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि एसएससी जीडी में एसएसएफ की पोस्ट कितनी है, सीआरपीएफ की पोस्ट कितनी है, एनआई की पोस्ट कितनी है, सीआईएसएफ, ये सीआरपीएफ, एनआईए, सीआईएसएफ, आईटीबीपी की पोस्ट, बीएसएफ की पोस्ट, एसएसबी की पोस्ट, असम राइफल, मतलब हम कह सकते हैं कि निम्न में से अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकता हूं कि इन जितने भी आपके 8 अलग अलग तरह के जो फोर्सेस लाइन में दिख रहे हैं इसके पोस्ट कितने हैं दोस्त, मैं आपको कह दूंगा कि भाई मैं तो अभी नहीं जानता, ये डेटा मेरे हाथ में तो है नहीं भाई, ये डेटा तो जारी करेगा एसएससी, उसके ऊपर है कि वो कितनी वैकेंसी को डालेगा, कितनी वैकेंसी लाएगा। देखिए, हम अनुमान लगा सकते हैं लेकिन ये फिर निश्चित नहीं कर सकते हैं कि इतना ही आएगा,
ठीक है दोस्त, तो हम कह देंगे भाई मैं तो अभी नहीं जानता, ये डेटा आपको कंफर्म हो जाएगा 24 नवंबर को, जिस दिन एसएससी अपने फॉर्म को जारी कर देगा कि अब आपका फॉर्म आवेदन करना शुरू हो गया, आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, उसी दिन से आपको मालूम चल जाएगा कि एसएससी जीडी इन आठों में से जो फोर्सेस लाइन है उसमें कितनी कितनी वैकेंसी है और कुल कितनी वैकेंसी है। प्यारे दोस्त याद रखेंगे सारे लोग, तो हम कह सकते हैं दोस्त कि जितना आपने वेट किया केवल दो दिन और इंतजार करें, दो दिन और इंतजार करें उसके बाद आपको मिल जाएगा। क्योंकि देखिए तुक्केबाजी में हवाबाजी में बात करना ये अच्छी बात नहीं होती। मैं आपको बता दूं कि 1,00,000, 2,00,000, 60,000, 50,000, तो फिर बाद में आप कहेंगे कि सर आपने तो गलत बताया भाई। तो मैं आपको बोल रहा हूं जब तक डेटा आपका रिलीज नहीं करेगा तब तक हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एग्जाम डेट, एग्जाम डेट, यानी एसएससी ने अपने एग्जाम डेट को भी डेटा जारी कर दिया है और एग्जाम डेट आपका है, यहां पे नोट कर लेंगे प्यारे दोस्त सारे लोग, 20 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू होना है, 20 फरवरी 2024 से आपके एग्जाम शुरू होंगे और ये अंतिम कब तक जाएगा, 12 मार्च तक। याद रखेंगे 20 फरवरी से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे एसएससी जीडी के और लास्ट आपका पेपर होगा 12 मार्च तक, ठीक है दोस्त। तो अब आपका बहुत बड़ा डाउट क्लियर हो गया होगा कि सर फिर आप कमेंट में ये करना शुरू कर देंगे कि सर कितनी वैकेंसी आएगी, बहुत चल रहा है ट्रेंड #SSCGD, वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी कितनी है दोस्त। तो कंफर्म कर दे रहा हूं आपको कि ये डेटा आपको मिल पाएगा तभी जिस दिन 24 नवंबर को एसएससी अपना डेटा को रिलीज करेगा, फॉर्म आवेदन प्रक्रिया को देगा, तो आपको सीधा आपको डेटा जारी कर देगा कि इतनी इतनी पोस्ट, अलग अलग पोस्ट है, ठीक है दोस्त। तो आशा है, विश्वास है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप संपूर्ण लोगों को एक जानकारी देना चाहूंगा कि आपका 24 नवंबर से फॉर्म आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ही यूसीपी ने अपना एक रामबाण सीरीज जिसमें शुरू कर दिया गया है और यूसीपी के साथ जुड़कर आप अपने संपूर्ण एसएससी जीडी की तैयारी को 3 महीने में आसान बना सकते हैं दोस्त। चलेंगे तो मिलेंगे हम आपसे पुनः एक नए सेशन में, और वीडियो समझ में आए दोस्त तो प्लीज आप सारे लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा और यूसीपी परिवार को सपोर्ट करते रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।